आज जिला कलेक्टर कन्वी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर कई स्तर पर रणनीति बनाई गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द पहचान करना, जिससे डेथ रेट भी कम होगा और समय पर इलाज व कोरोना महामारी के बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सकेगी। साथ ही दूसरी रणनीति में यह है कि त्योहारों का समय चल रहा है, वहीं बार बार हमारे द्वारा अपील की गई है कि गणेश उत्सव व मुहर्रम घर पर ही रहकर मनाएं, जिससे लोग मिलेंगे जुलेंगे नहीं, जिससे कोरोना की चैन ब्रेक होगी और धीरे धीरे इस गंभीर बीमारी पर कंट्रोल के प्रयास जारी रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनता भी काफी हद तक सहयोग कर रही है। साथ ही कोरोना जांच परीक्षण को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पहले 700 से 800 सैंपलिंग होती थी, लेकिन अब 1500 से 1700 सैंपल भेजे जा रहे हैं। वहीं हमारे प्रयास है कि 2000 से ऊपर इन्हें ले जाया जाए, जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम हो सके। देखिए, जो पिछली शांति समिति की जो बैठक हुई थी और साथ साथ में धारा 144 का आदेश निकले थे पूर्व में, और राज्य शासन के निर्देश भी थे कि जितने भी त्यौहार है वो घरों में ही मनाए जाएंगे और सड़कों पर किसी भी प्रकार की झांकी या गणेश स्थापना या ताजिया स्थापना वगैरह नहीं होगा। ये पूर्व के आदेश थे। उसी चीज़ का एक बार पुनः मूल्यांकन करने के लिए पुलिस का पूरा हमला और मजिस्ट्रेट का हमला जो है, और मैं और SP साहब जो हैं, हमने संयुक्त भ्रमण पूरे क्षेत्र में कुछ इलाकों में, कुछ सेंसिटिव इलाकों में किया था, और हमने पाया कि सभी जनता जो है उसका पालन कर रही है, और ये एक अच्छी बात है कि आगे होके कर रही है, क्योंकि हमें इस कोरोना काल में जनता सहयोग करके और त्यौहार भी मना रहे और कोरोना का संक्रमण भी ना फैले, इस चीज़ के बीच का एक समायोजन हम लोगों ने जो किया था वो जनता पालन कर रही है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अब हम आपको आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहेंगे, जबलपुर की सम्मानी जनता को, कि ये चीज़ें आगे भी लगातार रूप से चलती रहे और विसर्जन का काम भी जो है अपने अपने घरों में ही करें, क्योंकि नर्मदा जी का पानी सभी के घरों में भी आता है, तो घरों में ही यदि विसर्जन करेंगे तो ये जो भीड़ भाड़ वाला जो चीज़ें हैं वो से हम बचेंगे, और कोरोना का संक्रमण इस समय शहर में है, सभी लोग इससे अवगत हैं कि लगभग 100-125 लोग पॉजिटिव केस लगातार आ रहे हैं, तो ये तभी रोका जा सकता है, इन केसों को कम तभी किया जा सकता है जब हम भीड़ ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, घरों में ही रहें और घर में ही त्यौहार मनाएंगे, तो ये चीज़ को हम संक्रमण को और तेज़ी से और प्रयास करके रोक पाएंगे। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सभी अपने अपने घरों में ही त्यौहार को मनाएं और विसर्जन का काम भी अपने अपने घरों में करें।